ओके जी, सो आई वाज सेइंग कि ओवरीज देखो टेस्टिस स्क्रॉटल बैग के बाहर में था, मतलब कि एब्डोमेन के बाहर में था, स्क्रॉटल बैग के अंदर था। क्यों था? क्योंकि बाहर में स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस कैन मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, जिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। लेकिन ओवरी देखो पेट के अंदर है, तो पेट के अंदर ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा। तो ओवरी का पास शक्ति है, उसके पास पावर है कि इट कैन विदस्टैंड द टेम्परेचर, कि ओजेनेसिस में इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब अंडा बनता है ना उसमें, तब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाता है, टेम्परेचर को विदस्टैंड कर लेता है ओवरी, जो टेस्टिस नहीं कर पाता, इसलिए टेस्टिस स्क्रॉटल बैग के अंदर रहता है। ऑलराइट, सो राइट दिस पॉइंट, ओवरीज कैन विदस्टैंड दी बॉडी टेम्परेचर। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसा लिखो डब्ल्यू आई टी एच एस टी ए एन डी, विदस्टैंड। ओवरी कैन विदस्टैंड दी बॉडी टेम्परेचर कब? ड्यूरिंग ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में हायर टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने देता ही नहीं है, ठीक है, ओवरी उसको विदस्टैंड कर लेता है। कोई भी नहीं यार, बॉडी टेम्परेचर कोई भी, मतलब भी बढ़ा दोगे इतना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़ी प्रोसेस होगा, कोई ऐसा नहीं सोचो, जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही सोचो। मैंने क्या बोला कि बॉडी टेम्परेचर को टेस्टिस विदस्टैंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए स्क्रॉटल बैग में था, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ओवरी मिलता है, ओवरी उसको विदस्टैंड कर पाता है, ओवरी कर पाता है, ओवरी कर पाता है। अब एग करेगा नहीं करेगा वो बात नहीं आता ना, जो बनाने वाला है वो विदस्टैंड करके बना देगा, उसके बाद तो कहानी खत्म, समझ रहे हो? बनने तक का ही तो काम है। हाँ, अच्छा, टेस्टिस में मैंने बोला था कि इसके पास जर्मिनल एपिथेलियम है, राइट, जो कि क्यूबॉइडल नेचर का होता था, क्यूबॉइडल सेल, मेल जर्म सेल बोला था मैंने, क्यूबॉइडल, ठीक है। मैंने बोला था ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन करने पे ऐसे क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलता है। ओवरीज में भी सेम चीज पाया जाता है, वही पॉइंट में लिखा रहा हूँ कि ओवरीज में भी यू विल फाइंड अ, ऐसा लिखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ओवरीज या फिर ईच ओवरी, ऐसा लिख, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बाय लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसके लिए स्पेशली हम लोग ने नाम दिया है जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों? जर्म सेल बना रहा है तो जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ओके, देखो ये ओवरी है, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, ओके, पूरा का पूरा क्यूब लाइक सेल्स ऐसा कवर करके रखेगा। यही हो गया तुम्हारा क्या? जर्मिनल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तुम लोग सही से बनाना, मेरा स्क्रीन में बना रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, तुम लोग अच्छे से बना लो। ओके, राइट। एक और चीज याद रखो, मैंने बोला था थोड़ा टाइम पहले, थोड़ा टाइम, जस्ट 10 15 20 मिनट्स पहले होगा, थोड़ा टाइम पहले का बात है। क्या बोला मैंने थोड़ा टाइम पहले, याद करो क्या बोला। व्हाट डिड आई से? कि जो पेरिफेरी वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्टेक्स, राइट। और जो अंदर का इनर हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेड्यूला। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, मेक दिस इजियर। जैसे ये रेडिश टाइप का जो बना रहे हो, थोड़ा अंदर की तरफ जो है, मेकिंग दिस एंटायरली रेड, ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
थोड़ा अंदर की तरफ है ये वाला हिस्सा, राइट? शेडिंग इट, विल कॉल इट द मेड्यूला, विल कॉल इट द मेड्यूला, राइट? और जो पेरिफेरी मतलब ये बाउंड्री के तरफ जो है, इसको मैं थोड़ा येल्लो कर देता हूं. तुम लोग अच्छे से दूसरा कलर से भी कर देना, लेबल करने से भी कोई बात नहीं, अगर शेड ना भी करो समझने से, मेरा पॉइंट है समझो. तो साइड में जो हिस्सा दिख रहा है इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? कॉर्टेक्स. ओके, अब ध्यान से सुनो, ये जो कॉर्टेक्स होता है, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, ये जो कॉर्टेक्स होता है इसके पास बहुत सारे छोटे, कुछ छोटे साइज के होंगे, कुछ बड़े साइज के होंगे, ठीक है, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का तुमको कुछ छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल्स. और क्योंकि ये ओवरी में मौजूद है इसलिए we'll call them ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स. जो एक पूरा का पूरा मैच्योर फॉलिकल होता है ना, जो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मैच्योर हो जाता है, उसके लिए टर्म होता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. जब ऊजेनेसिस पढ़ाऊंगा और समझ में आएगा. अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी क्लियर करो कि फॉलिकल्स कहाँ मिलता है, क्या होता है, मैच्योर वाले का नाम क्या है. जब धीरे धीरे पता चलता रहेगा फिर ड्यूरिंग डेवलपमेंट आई विल टीच यू द डेवलपमेंट, तब और क्लियर होगा चीजें. तो राइट इट डाउन कि कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी हैज मेनी स्मॉल या फिर लार्ज, या तो स्फेरिकल शेप का होगा, स्फीयर के जैसा गोल सा, या फिर ओवल मतलब अंडा जैसा गोल, क्या कहते हैं उनको, उन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स. सो द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी हैज गॉट मेनी स्मॉल एंड लार्ज ऑल्सो मे बी दिस स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द क्या, ओवेरियन फॉलिकल्स. ऑलराइट, और मैच्योर वाले को क्या बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल को हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल. और एकदम जो प्रीमेच्योर फॉलिकल सबसे पहले जो बनेगा, ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि उसी फॉलिकल्स में ही लेयर्स ऐड हो करके वो मैच्योर होते होते ही ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचता है. एकदम जो तुम्हारा एकदम बोल सकते सबसे ज्यादा एबंडेंट में भी जो पाया जाएगा उसका नाम है प्रीमोर्डियल फॉलिकल. मैं दिखाता रहूंगा अलोंग विद डायग्राम, समझ में आता रहेगा. अभी फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करो. ग्राफियन फॉलिकल इट इज द मैच्योर फॉलिकल. ओके ओके, अब ये फॉलिकल जो है, हर फॉलिकल के अंदर सेल मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे ऊसाइट. समझ रहे हो? ऊसाइट और फॉलिकल में जब मैं बोलूंगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइट, कुछ डिफरेंस नहीं है यार. एक सेल है, उसके ऊपर एक वॉल बन गया, वो हो गया फॉलिकल. एक सेल है, अकेला है वो अंदर, या फिर वॉल के अंदर जो है वो है ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट. फिर वो जब मैच्योर होगा सेकेंडरी फॉलिकल बोलो या फिर सेकेंडरी ऊसाइट बोलो. समझ में आ रहा? तो ऐसे हम लोग टर्म्स, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, तो इससे कुछ घबराने वाला चीज है नहीं, ठीक है. कुछ अलग मत सोचो यार, जैसे कि मेरा घर से अगर ये रूम जो मेरा है इसका मैं वॉल तोड़ दूं तो ऊसाइट बन जाएगा, फिर वॉल बना दिया तो फॉलिकल कहलाएगा, है तो मेरा रूम ही ना. समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जितना फॉलिकल्स है ना उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो है हर महीना मैच्योर होता है, और वही वही अंडा, उसी को हम लोग अंडा बोलते हैं, एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी ऊसाइट भी बोलते हैं, पता चलेगा आगे जाके. और वही हर महीने रिलीज होता है, ठीक है. मर्दों जैसा नहीं है कि बहुत सारा स्पर्म्स होगा तो बहुत सारा एग भी बनेगा फीमेल में, ऐसा नहीं. सिर्फ एक एग, जितना भी फॉलिकल्स है उनमें से एक ही फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में हर महीना एक ही फॉलिकल पहुंचता है. बाकी फॉलिकल्स जो है वो वॉल्स वॉल बनाएगा अलग अलग काम, लेकिन वो एक से ज्यादा फॉलिकल कभी मैच्योर नहीं होगा. मैच्योर कितना होता है? हमेशा एक ही फॉलिकल मैच्योर होगा, बाकी सब इधर उधर का काम करेगा लेकिन मैच्योर नहीं होगा. वो टर्शियन फॉलिकल के स्टेज में नहीं पहुंचेगा, या मतलब उसके अंदर में वो अंडा नहीं होगा. अंडा मतलब हर महीने कितना बनता है? एक ही बनता है, ठीक है. तो यही पॉइंट को ध्यान से लिखो
वन फॉलिकल मैच्योर्स एवरी मंथ, और फॉलिकल के अंदर क्या होता है, वॉल के अंदर रूम है ऊसाइट है, एंड शेड्स एंड ऊसाइट। देखो टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना, साइट का मतलब होता है सेल, ऊ का मतलब होता है एग, मतलब एग सेल का ही बात हो रहा है यार, वो अंडा ठीक है जो रिलीज करेगा। ओके अभी देखो लेट्स एज्यूम कि एक लड़की उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मान लो 12 साल या 13 साल में, ठीक है, और मेनोपॉज उसका हो जाता है लगभग 40-45, मतलब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। व्हाई दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, यू नो बिकॉज ये जो फॉलिकल जो मैच्योर हो रहा है ना, एक टाइम बाद वो फॉलिकल्स खत्म हो जाता है, सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जो जो नॉलेज वाला बात मैं बता रहा हूँ ना वो सब पढ़ाया भी जाएगा, ऊजेनेसिस वाला टॉपिक आ रहा है ना उसमें बताया भी जाएगा, मेनोपॉज भी बताया जाएगा। तो ये फॉलिकल्स एक टाइम में जा करके खत्म हो जाता है। तो एक बात तो तय है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल का वो लगभग 15 से 55 साल, 50 साल या 12 से 50 इयर्स वैसा ही कुछ रेंज में होता है। तो एक एवरेज निकाला गया था कि एक औरत एक महीने में एक अंडा निकालती है, तो पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितना निकालेगी, तो तुम लोगों को कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं एक अप्रोक्सीमेशन वाला कैलकुलेशन जो हर बुक्स में लिखा था वही दे रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज तुम बोल सकते हो अबाउट 400 ऊसाइट, कितना 400 ऊसाइट आर रिलीज्ड, पूरा लिखो, आर रिलीज्ड इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल, इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल। समझ में आ रहा है बात, 400 कैलकुलेट कर सकते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 साल 120 होगा, वैसे ही लगभग 30 साल का बात है तो 360, और थोड़ा 35 साल हो गया तो 400 आ जाएगा वैल्यू, मैथ्स इतना करना नहीं, अप्रोक्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी ये देखो फॉलिकल के अंदर होता है ना ऊसाइट, ये जो एग सेल है फॉलिकल के अंदर होता है, मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले, तो टर्शियन फॉलिकल के अंदर होता है एक्चुअली, सेकेंडरी बताऊंगा एक एक करके। तो ये शेड होकर के निकल के आता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ना वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, कैसे टूटता है क्या टूटता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ये निकल करके आएगा, ये एग निकल करके अंदर से निकल करके आएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। इसी स्टेज को मैं लिखा देता हूँ अच्छे से, तब तुम लोगों को समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो लिबरेशन ऑफ ऊसाइट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, लिबरेशन ऑफ ऊसाइट फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल नाम क्यों है, बिकॉज वैन डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने उसका डिस्कवरी किया था, बायोलॉजिस्ट ने उसका डिस्कवरी किया था। ओके सो इसी को हम लोग लिबरेशन ऑफ, इट इज नोन एज ओव्यूलेशन, सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ओके नाउ अगर एक लड़की का 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, 28 डेज का मान लो साइकिल है, मतलब आज ब्लीडिंग हुआ तो 28 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग होगा, तो उसका लगभग 14 डे को ओव्यूलेशन होगा, मतलब मिड साइकिल। अभी बच्चों मेरा एक सवाल का जवाब दो, मान लो एक लड़की है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 34 डेज में होता है, तो उसका ओव्यूलेशन किस दिन में होगा, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को, अगर 28 दिन में 14 दिन में ओव्यूलेशन हो रहा है तो 34 डेज वाले का कितना। ये देखो कौन बता रहा है, सूरज गुप्ता बता रहा है 17, कोई उससे सहमत है असहमत है बताओ, हु एग्रीज विद हिम एंड हु डिसएग्रीज विद हिम, किसी को कुछ और आंसर बताना है वो भी बताओ, या फिर तुम बोलो आई एग्री विद सूरज, किसी को कुछ और बताना है। माय क्वेश्चन इज इफ द ओके उत्पल आल्सो से 17, व्हाट एवर अदर्स, अनुष्का एग्रीज विद 17, ऑलराइट, शायद 14 डेज में ही होगा, सब गलत। देखो यही गलत कॉन्सेप्ट है और सही कर लो आज, ये कैलकुलेशन गलत करके बहुत कपल्स को भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड दे थिंक कि
इट इज नॉट एन ओबुलेशन डे, ठीक है, और उनका प्रॉब्लम्स होता है अलग अलग, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह का. मैं क्लियर कर देता हूँ बात, ठीक है. हमेशा याद रखना ओव्यूलेशन डे जो होता है, ऑलवेज ऑलवेज ओव्यूलेशन डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14. क्या बोला मैंने? ओव्यूलेशन डे इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14. तो मैंने बोला था कि उस लड़की का 28 डे का अगर साइकिल है तो उसको ओव्यूलेशन कब होता है? 28 माइनस 14 मतलब कितना? 14. यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 34 डेज हुआ तो उसको माइनस 14 करोगे तो कितना डे होगा? 28 डे को उसको ओव्यूलेशन होगा. नॉट ये जो आंसर आया ना 14, इट इज नॉट 28 डिवाइडेड बाय 2 वाला 14. नो नो, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. Correct concept is this, minus 14, always minus 14. If that cycle is of 34 days, then it will be 34 minus 14, that is 20. If you apply the divided by 2 logic, then 17 will come, which you are giving the wrong answer. Clear? Now, don't do this mistake. Always, the ovulation day hota hai, it is number of days in the menstrual cycle minus 14. Okay, this is the correct way to calculate and correct approach. Always, this is the Am I clear, बच्चों? किसने किसने गलत आंसर दिया था? अनुष्का, देन सूरज एंड अंशुमन. क्लियर है तुम लोग को? अभी गलती करोगे? माइक बंद. अभी गलती करोगे या नहीं करोगे? हाँ, ओहो, तुमको तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बेटा. ठीक है, बहुत अच्छे, मत करना ओव्यूलेशन. अरे यार, मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन पूरा साइकिल को कहते हैं, और जिसमें ब्लीडिंग वाला फेज चलता है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ओव्यूलेशन मतलब जिस दिन अंडा रिलीज हो रहा है. जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए ये याद रखो, ओव्यूलेशन का मतलब है जिस दिन अंडा रिलीज हो रहा है. वो एक ही दिन होता है, महीने में सिर्फ एक दिन होता है. और मेंस्ट्रुएशन का मतलब पूरा साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पूरा का पूरा साइकिल को. और उसमें से जो ब्लीडिंग फेज होता है, लड़की इनिशियल साइकिल स्टार्ट होता है विद द ब्लीडिंग फेज. 4 से 5 दिन लड़की का ब्लीडिंग होता है, ठीक है? ऑलराइट, चलो आगे बने, आगे जब पढ़ेंगे और समझ में आएगा. ठीक है, और एक पॉइंट लिख लो, बेसिक सा पॉइंट है कि देखो जब ये मैच्योर, अभी मैंने ओव्यूलेशन का बात किया था तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है. ये जो मैच्योर फॉलिकल है जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कह रहे थे, इसके अंदर में जो ऊसाइट है, जो एग है, इसको जो रिलीज कर देगा, एग को रिलीज करने को क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूलेशन बोलते हैं. अच्छा, रिलीज कर दिया तो ये ग्राफियन फॉलिकल अब खाली हो गया, ठीक है. ये ग्राफियन फॉलिकल जो है अभी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ ओवम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. यही बात लिख लो एक बार, इसी पॉइंट को लिख लो कि आफ्टर द एग इज लिबरेटेड. देखो दिस थिंग्स विल रिपीट अगेन इन ओजेनेसिस, सो यू डोंट हैव टू वरी, दिस थिंग्स विल रिपीट अगेन. अभी बस ट्राई टू ग्रैब व्हाट एवर आई एम सेइंग, ट्राई टू ग्रैब एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, ओके. बाद में फिर रिपीट होगा, डिटेल में होगा, अलग अलग टॉपिक्स में भी इनका जिक्र आएगा, ठीक है. सो आफ्टर द egg is released, yeah, oocyte is released, the graafian follicle is converted into a structure. What is the name of that structure? Corpus luteum. Corpus luteum, naam aane ka karan hai, luteinizing hormone, baad mein bataunga. प्रोजेस्टेरोन वगैरह बहुत कुछ है इसके ऊपर, बातें आगे पता चलेगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया जाएगा तब पता चलेगा. बट अभी बेसिक क्लियर करो एटलीस्ट, तब मैं जब बोलूंगा कॉर्पस ल्यूटियम तो तुम लोग ना बोलो कि क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसलिए मैं अभी बेसिक टर्म क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट फंक्शन लिख लो, लिखो हेडिंग डाल दो फंक्शन ऑफ ओवरी, फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है. फंक्शन ऑफ ओवरी में लिखो पहला प्रोडक्शन ऑफ ऊसाइट, अंडा, एग, कुछ भी लिखो, ओवम बोलो, ऊसाइट बोलो, राम बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, भाई ऊसाइट बोलो, ओवम बोलो,
मेनोपॉज क्या बोलता है, सॉरी ओसाइट बोलो और ओवा ओवा तो बोल दिया ना, एग बोल दो, एग बोल दो, एक सेकंड, अलग अलग नाम सेम चीज का, प्रोडक्शन ऑफ ओसाइट या फिर एग या फिर ओवम, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी। इसके अलावा भी ओवरी क्या करता है, फीमेल हॉर्मोन्स, मैंने बोला है ऑलरेडी, फीमेल हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। आप ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। फीमेल हॉर्मोन्स में, फीमेल हॉर्मोन्स में दो हॉर्मोन है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है, अच्छा एस्ट्रोजन को कुछ कुछ बुक में ऑस्ट्रोजन भी लिखा हुआ है, सेम चीज है, ओ एक देके रखा है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, दोनों को एस्ट्रोजन ही प्रोनाउंस कर लेते हैं, ऑस्ट्रोजन बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है सेम चीज है ये। और एक हॉर्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, मैंने बोला था ना ओवरी के पास क्या है, फॉलिकल्स है, ये जो फॉलिकल्स है ओवरी में, ये फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल्स किसको बनाता है, एस्ट्रोजन को बनाता है, ठीक है। ओवरी जो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, उसमें से फॉलिकल्स बना रहा है एस्ट्रोजन को। और अभी अभी मैंने बोला कि जो जो ग्राफियन फॉलिकल था, जो मैच्योर फॉलिकल था, वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ ओवम, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस है तो ओवरी के अंदर ही ना, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल अपने अंदर से अंडा को निकाल देगा, तो वो ग्राफियन फॉलिकल अब क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे अभी स्ट्रक्चर को, ग्राफियन फॉलिकल माइनस दी ओसाइट, विल कॉल इट एज कॉर्पस ल्यूटियम, दिस कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, तो इसको कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखना, बहुत बहुत जरूरी बात है, याद रखना, ठीक है। अगला बात, अभी और एक चीज, कुछ कुछ नॉलेज का बात है, लिख लो, आई डोंट थिंक एग्जाम में पूछेगा बट जान लो, जैसे कि दो ओवरी है ना, दोनों एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये लोग ऑल्टरनेटिवली अंडा बनाता है, जैसे एक महीना ये बनाएगा अंडा और ये प्रिपरेशन लेता रहेगा, हाँ ये ग्राफिन फॉलिकल तक का प्रिपरेशन लेता रहेगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करने में प्रिपरेशन लेता रहेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ ये वाला अंडा छोड़ेगा, फिर नेक्स्ट महीना ये ऑल्टरनेटिवली होता है, ये चीज समझ लो, ऑल्टरनेटिवली होता है। तो लिखो, ओवरी प्रोड्यूस वन ओसाइट पर मंथ ऑल्टरनेटिवली, ऑलराइट, ऑल्टरनेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अंडा जो रिलीज किया जाता है, ये अंडा जो है 12 से 24 घंटा ही सरवाइव कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्यों ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, बिकॉज जब मैं तुम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, यहाँ वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, ध्यान से सुनो मेरा बात को। जैसे कि मान लो 28 दिन का साइकिल है, ज्यादातर लड़कियों का 28 दिन का ही साइकिल होता है, इसलिए वी टेक 28 डेज। एनसीईआरटी में भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है, यही अज्यूम किया कि उस लड़की का साइकिल 28 दिन का है, बिकॉज यूजुअली लड़कियों का उतना ही होता है नॉर्मली, ठीक है, कुछ कुछ लड़की का थोड़ा जल्दी होता है, कुछ कुछ का थोड़ा लेट होता है, बट एवरेज इज 28 डेज। तो 28 डेज में 14 डे को ओव्यूलेशन होगा, और 14 डे को जब अंडा निकलेगा, वो अंडा कितना टाइम तक रहेगा, वो अंडा 12 से 24 घंटा तक रहेगा, क्योंकि अंडा के पास उतना ही न्यूट्रिएंट्स है, उसके बाद वो अंडा खत्म हो जाएगा। तो अगर उसको बच्चा पैदा करना है, अगर फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसी दिन के टाइम, उसी दौरान स्पर्म को जाकर के, उसी दौरान स्पर्म को जाकर के पहुंचना पड़ेगा। अगर स्पर्म उसी दौरान नहीं पहुंच पाया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। इसलिए हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बच्चा नहीं होता, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हर बार कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो बच्चा हो जाएगा। नो, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसीज। तो वहां पे तुमको मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइम में, विच टाइम टू हैव सेक्स एंड विच टाइम नॉट टू हैव सेक्स, इफ अ कपल इज एक्सपेक्टिंग टू हैव चाइल्ड, हाँ उस दिन या उस दिन के एक दिन इधर उधर हो सकता है, मैं बताऊंगा। देखो, उस दिन के 3-4 दिन पहले भी हो सकता है, मैं सब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक्सप्लेन करूंगा।
अभी के लिए बस ये जान के रखो कि अंडा जो है वो ओव्यूलेशन के डे से 12 से 24 घंटा तक ही रहता है, उस समय स्पर्म को पहुंचना पड़ेगा। अभी इंटरकोर्स देखो बहुत बातें बेटा, अगर मैं बताने जाऊं ना बहुत कुछ डिटेल में, देखो सूरज स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म जो होता है वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है फीमेल ट्रैक में। तो मान लो एक लड़की 14 डे को ओव्यूलेट कर रही है, अंडा उसका 14 दिन को आया, इंटरकोर्स मान लो 11वां दिन को हुआ, तो वो 11वां दिन वाला जो स्पर्म है ना वो फीमेल के ट्रैक में जिंदा रहेगा 3 दिन, तो तब तो वो फर्टिलाइजेशन करा देगा ना। तब तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते अरे हमने तो ओव्यूलेशन के दिन में इंटरकोर्स नहीं किया कैसे प्रेगनेंसी हो गया। तो बहुत बातें है बेटा, तो मैं अगर बोलने जाऊं तो 1 घंटा और लग जाएगा, इसलिए अभी जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ो। हर एक टॉपिक का अपना अपना जगह पे रेलिवेंस है, हर एक जगह हर एक चीज पढ़ाया जरूर जाएगा, ठीक है। मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि व्हेन आई कंप्लीट द टॉपिक देयर विल नो क्वेश्चन बी लेफ्ट इन योर हेड, ठीक है। जो बेसिक सवाल जो तुम्हारे दिमाग में अराइज होता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ रिमेंबर दिस की प्लीज राइट दिस डाउन, लाइफ ऑफ एन ऊसाइट। और अगर तुमको और डिटेल में पढ़ना है तो मेडिकल एस्पायरेंट बनो, नीट क्रैक करो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, एक ब्रांच भी मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट भी मिल जाएगा गायनेकोलॉजी, उसमें तुम मास्टर्स भी कर सकते हो, उसमें तुम और एमएस कर सकते हो, एमडी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, ठीक है। और यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट इन फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ओके। या फिर सो वी हैव मेनी, लाइफ इज कैसा बताओ मैं तुमको, एक नॉलेज जो है ना वो पूरा जिंदगी हम लोग अचीव कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाला ये। और हर 2 साल में यू नो मेडिकल साइंसेज भी ऑलमोस्ट हर 2 साल में देयर इज अपग्रेडेशन एट एवरी लेवल, ठीक है। हर 2 साल में सेमिनार वेमिनार होता है, अभी देखो नया एक वायरस आ गया उसके साथ हम लोग टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर विल बी चैलेंजेस, यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी टाइम, ऑलराइट। हर एक टाइम हमको नया नया चीज सीखने को मिलेगा यहाँ पे, और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सीखते रहोगे, ठीक है। चलो लाइफ ऑफ एन ऊसाइट कितना होता है, 12 से 24 घंटा होता है, 12 to 24 hours, ठीक है। और इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं अवेलेबल फॉर या बायबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये 12 से 24 घंटा का भीतर अगर स्पर्म उसको मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा या फिर प्रेगनेंसी हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो एग विल डिटोडिएट, फिर स्पर्म पहुंच के भी क्या होगा, अंडा नहीं होगा तो खुद ब खुद स्पर्म भी मर जाता है 3-4-5 दिन के बाद, ठीक है। मान लो कोई कोई जाकर के कोई मान लो 20th day को जा करके इंटरकोर्स किया, तो 20th day को जब पहुंचेगा तो वो एग तो कितना दिन जिंदा था, अगर 14 डे को ओव्यूलेशन हुआ होगा तो उससे 14 डे को मान लो मॉर्निंग 8 बजे ओव्यूलेशन हुआ से फॉर एग्जांपल, तो 14 के या तो शाम 8 PM को मर चुका होगा या फिर 15 के सुबह 8 AM इस टाइम रेंज के भीतर वो अंडा मर चुका होगा विद इन दिस टाइम रेंज। तो अगर 28 डे को जाकर के स्पर्म पहुंचता है तो कहां फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं हो पाए। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में लेटर, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, ठीक है जी। नहीं, लैब में करना अलग चीज होता है, लैब में अगर तुम निकाल ले तो अलग है, फीमेल के बॉडी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और चीज होता है MOAT, जो कि जिसको जिसके बारे में जो गाय वगैरह में किया जाता है वो एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री में बताऊंगा, वो बिल्कुल अलग है, गाय वगैरह में करते हैं, ठीक है। एक गाय से एक बार 8 अंडे पैदा करवा देते हैं, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट दैट इन द अदर चैप्टर, बट इन ह्यूमन सच थिंग्स डोंट हैपन, यू कैन टेक इट आउट, मेंटेन इट इन लैब कंडीशन, दैट इज डिफरेंट, बट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल नो, ठीक है। चलो अच्छा, तो आफ्टर मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो क्या होता है, जो ओवरीज होता है ना बच्चों, वो ओवरीज से फॉलिकल्स खत्म हो जाए, ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लूज द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स खत्म तो ना बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ना उसका अंदर ऊसाइट रहेगा, क्या मतलब सब खत्म कहानी, तो लूज फॉलिकल्स। ओके, नहीं बेटा कैसे सेम होता है, ऊसाइट एक दिन तक रहेगा,
स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है फीमेल के ट्रैक में 3 से 5 दिन है। कहां तुम क्या सुन रहे हो पता नहीं यार, ध्यान वन देता नहीं है तुम लोग। चलो आगे बढ़। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्यूब्स। ओके सो ओविडक्स, हेडिंग डाल लो ओविडक्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है यूटराइन ट्यूब, पूरा लिखना। इसके साथ साथ मैं तुमको यूट्रस भी पढ़ा दूंगा और वेजाइना भी आगे जाके पढ़ा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ओविडक्ट ही पढ़ते, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये लोग, ये इनको हम लोग कहते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट। एक मिनट रुक जा भाई, इतना सवाल रुक। फीमेल एक्सेसरी डक्ट, एक मिनट बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। फीमेल एक्सेसरी डक्ट, फीमेल का हेल्पिंग डक्ट। ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब कितना लंबा होता है? तो फेलोपियन ट्यूब इज अराउंड 10 to 12 centimeters लॉन्ग, ठीक है, 10 to 12 centimeters लॉन्ग। और ये यूट्रस से शुरू हो करके पूरा ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी के पास जब पहुंचता है एक फनल शेप स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी देखो, उंगली से हम लोग चीजों को ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं ना, उंगली से चीजों को ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वही फिम्बरी जो है ऐसा जब ओवरी अंडा छोड़ देगा ना उसको ऐसा कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके वो यहाँ पे एम्प्यूला वाला हिस्सा में लेके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्पर्म भी आता है, यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग फर्टिलाइजेशन में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट दिस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, फॉर नाउ आई एम लिविंग यू हियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग यू द लिंक एंड एवरीथिंग, एंड दिस वीडियो विल ऑल्सो बी अपलोडेड। आई थिंक लास्ट क्लास का वीडियो अभी अपलोड हो चुका है, तो यू गाइस कैन सी द वीडियोस। एंड जो लोग एनरोल्ड बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सएप में भी डाउट पूछ सकता है, कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप में इनबॉक्स में मेरे को पूछ सकता है। थोड़ा लेट से होने से भी मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके तो तुम लोगों ने नोट सही से बनाया होगा, जिसको जिसका कोई नेटवर्क इशू हुआ होगा थोड़ा बहुत, या फिर दोज वांट टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, तो ऑब्वियसली इन आई थिंक आवर लेक्चर्स आर हार्डली 40 minutes लॉन्ग, तो 40 minutes थिंग्स आर यू विल फाइंड इट देयर इटसेल्फ एंड यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर। ओके कुछ नोट्स का कुछ पार्ट छूट गया हो, ओके सो लेट मी टेक योर नेम्स फॉर द लास्ट टाइम एंड देन आई एम लीविंग यू गाइस। सो सूरज, अनुष्का, किसी ने सवाल पूछा था, उस सवाल को मैं एड्रेस कर लूँ उसके बाद, जस्ट वेट अ मिनट। रोहन, आर यू इवन लिसनिंग ब्रो, व्हाट डिड आई से, 12 to 24 hours आफ्टर दैट इट विल रीजेनरेट, सो यू आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई हैव सेड, 12 to 24 hours, प्लीज लिसन केयरफुली, तभी सब आंसर होगा ना। हाँ जी, तो लेट मी सी कौन कौन है। सूरज, अनुष्का, अनुष्का आज तुम्हारा पैरा क्लास है, तुमको समझ में आया कि नहीं, प्लीज लेट मी नो। एंड आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इज द लेक्चर ओके फॉर यू, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। विशाल मौलिक, ओके वेरी गुड, यू गाइज आर रेगुलर। देन डी एस तरंग, अंशुमन, जुलीन, मिलीना, नितीश, रोहन, रूपलीन, देन सैदी, उत्पल एंड विशाल। सो एवरीवन इज क्लियर विद द टॉपिक टुडे, नाउ आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। दो एक बार चैप्टर खत्म होने दो बेटा, और भी जितना मिसकंसेप्शन है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूं ना, इसका मतलब है बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो सेक्रेट गेम्स का गुरुजी जैसा हूं, समझ रहे हो, पंकज त्रिपाठी, वो कुछ कुछ बातें बताता है, कुछ कुछ नहीं बताता है, कारण होता है उसका पीछे, ऐसे ही नहीं है कि नहीं बता रहा है। हाँ, सो या लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इज क्लियर विद द टॉपिक, राइट, सबको, व्हाटएवर अदर्स, लेट मी नो, एक आध जन बोल रहे, बाकी लोग बताओ। बारिश हुआ है तो आई नो सम ऑफ यू माइट हैव फेस्ड द नेटवर्क थिंग, सो डोंट वरी, यूट्यूब इज अवेलेबल फॉर यू, यूट्यूब में द वीडियोज विल बी देयर। ओके द एडवांटेज ऑफ द लाइव क्लासेस इज दैट यू गाइज गेट टू आस्क योर डाउट एंड आई क्लियर दैट इमीडिएटली, राइट। नो प्लीज वेट टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल,
It does not take place due to the breakdown of ovum. It takes place due to the breakdown of the inner layer of uterus, endometrium. I'll let you know everything, please. Okay, Nitish, almost. Let the chapter be over. The baki ka bhi jo confusion hai. Rohan, okay. Thoda bahut confusion hai. Menstrual cycle aayega to. Aisa nahi menstrual cycle khatam thori hua aayega. Let the chapter be over, then you'll get, your misconception will be clear as well, because it has nothing to do with ovum. Ovum is the egg. हाँ हाइमेन का भी मिसकंसेप्शन कल बताऊं. यूजुअली यस यूजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स द हाइमेन गेट्स ब्रोकन बट नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग एक्स्ट्रा द मिसकंसेप्शन विल बी क्लियर्ड अबाउट हाइमेन एज वेल जस्ट वेट टिल द नेक्स्ट क्लास अदर्स व्हाट अबाउट चलो बाकी लोग बताओ क्लियर एवरीवन चलो हाँ हाँ उत्पल ओके सर्दी उत्पल ओके अदर्स अदर्स और चलो वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स बेयरली 2 मिनट्स आई विल एंड द लेक्चर हियर एंड विल गेट दिस एज वेल राइट चलो सो गुड बाय एवरीवन अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ओके ज़्यादा घूमो वगैरह घूमना उमना ज़्यादा मत करना घर पे रहो पढ़ाई करो कुछ दिन का बात है ऑलराइट चलो बाय बाय